आज हम स्क्रैच माई फाउंडेशन की तरफ से प्रोजेक्ट जन जागो चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत जागरूकता अभियान का शुभारंभ हो रहा है। आज हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर रविशंकर जी हैं, जो हमें कोरोना वायरस के प्रति कुछ जानकारी देंगे। लोगों के अंदर बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है, उसी के लिए कुछ जानकारी आज हम डॉक्टर रविशंकर जी से लेना चाहेंगे। आइए मिलते हैं डॉक्टर रविशंकर जी से। हाँ जी सर, तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को पहले ये बताएं या हमें ये बताएं कि कोरोना महामारी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। कोरोना महामारी का जो दूसरा वेव आया है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। जैसा कि हम लोग डेली देख रहे हैं कि 3 लाख 3.5 लाख पेशेंट नया आता जा रहा है, लेकिन हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे अस्पताल बढ़ाएं, नंबर ऑफ बेड बढ़ाएं, ऑक्सीजन वाले बेड की संख्या बढ़ाएं, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये जो नंबर बढ़ रहा है उसको रोकने का उपाय करना जरूरी है। क्योंकि हम कितना भी नंबर बढ़ा ले बेड का और अस्पताल का, जब तक इन्फेक्शन को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तब तक उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमारा प्रतिदिन केस बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए जो भी संभव उपाय हो, सरकार के द्वारा हो, आदमी का अपना इंडिविजुअल हो, हमसे आपसे जितना भी हो सके हम कोशिश करें गैदरिंग कम करें, अननेसेसरी मार्केट में ना जाएं, मास्क लगाना जो कि आज के डेट में यही एक उपाय बचा है, मास्क लगा के हम कोरोना की रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल हमारा ये है कि लोग कहते हैं कि बुखार हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए तो तुरंत हमें टेस्ट करवाना चाहिए कोविड का या नहीं। देखिए, आज के डेट में खांसी बुखार अगर किसी को हो रहा है तो वो कोरोना है, अंटिल अनलेस दूसरा डिजीज प्रूव नहीं हो रहा है। तो जो ही आपको खांसी हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो जांच कराएं, डॉक्टर की सलाह लें, घर में बैठ के पैरासीटामोल का गोली खाएं, और साथ में जो खांसी की दवा है और मल्टी विटामिन कैल्शियम एंड जिंक है वो सब घर में बैठ के खाएं। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही अस्पताल जाए। पहले घर पे रहकर आपका सुझाव है कि पहले घर पे रह के इलाज करें, क्योंकि हर कोरोना के पेशेंट को अस्पताल की जरूरत नहीं होती है। अगर कोरोना क्या होता है, जब वो निमोनिया कारण करता है, जब वो लंग में फेफड़े में जाकर निमोनिया करने लगता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में उसको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। तो जब तक सांस फूलना चालू ना हो, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम ना हो, तब तक घर में इलाज कराना चाहिए। लेकिन इलाज कराना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, घर के मेंबर के स्प्रेड से रोकना चाहिए, घर में भी चेन को रोकना पड़ेगा अपने आप को आइसोलेशन। जब तक हम चेन को नहीं रोक सकते हैं तब तक हम कितना बड़ा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले वो सफिशियंट नहीं हो सकता। तो सावधान रहने की हमें जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल हमारा ये है कि ऑक्सीजन की कमी भी इस पर देखने को मिल रही है, तो ऑक्सीजन लेवल क्या होना चाहिए और कितना कम होने पर हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए या अस्पताल में बेड के लिए ढूंढना चाहिए। देखिए, ऑक्सीजन का जो कंसेप्ट है, हमारा जो फेफड़ा है वो फेफड़ा अगर दोनों सही तरह से काम कर रहा है तो हमारे जो नेचुरल एयर है उसमें 21% ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन से हमारे शरीर की ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है जब हमारा दोनों फेफड़ा फंक्शनल है। लेकिन ये जो कोरोना है, अगर फेफड़ा में जाके निमोनिया किया, फेफड़ा का सर्टेन पार्ट इन्वॉल्व हो गया था, अब उस पार्ट से ऑक्सीजनेशन बॉडी को नहीं मिल पाती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो वो निमोनिया जितना आगे बढ़ता जाएगा हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी दिखाते जाएगा। तो हम उस कंडीशन में अगर निमोनिया हो रहा है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की, 21% ऑक्सीजन तो हमको अपने एयर से मिल जाता है, उससे ज़्यादा कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उस कंडीशन में जैसे हम 91-94% अगर है, ये बॉर्डर लाइन होता है, 94 से अगर नीचे है, 91 तक है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसको हो सकती है। लेकिन 91 से अगर नीचे जा रहा है तो उसको अस्पताल में भेज के और ऑक्सीजन लगा के डॉक्टर की निगरानी में उसका एक्सरे सीटी स्कैन चेस्ट का देख के कि कितना फेफड़ा इन्वॉल्व हुआ है, उसका ट्रीटमेंट के साथ साथ ऑक्सीजन चालू करना चाहिए।
तो सभी में ऑक्सीजन की मात्रा 91 से 94 ही होती है? नहीं, जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है उसका 94 से अबव होता है, 96-97। अगर मैं अपना चेक करूं और आपका चेक करूं, अगर आपको लंग में निमोनिया नहीं है, फेफड़ा में निमोनिया नहीं है, तो 96-97-98 ऐसा रहता है। लेकिन 94 से नीचे आना चालू हो रहा है, साथ में बुखार है, कोरोना का लक्षण आ रहा है, तो आपका फेफड़ा इन्वॉल्व हो रहा है उस कोरोना से, उसमें निमोनिया होने का स्टार्टिंग हो चुका है, तो आप उसको रोकथाम स्टार्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली जैसा आपको गाइड कर रहे हैं वैसा आपको करना। अगर 89 होते हैं ऑक्सीजन का लेवल तो भी हमें दिखाना चाहिए? 89 अगर है तो आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये ऑक्सीजन हॉस्पिटल में लीजिए, ताकि साथ साथ अदर चीज भी, आपका बीपी कंट्रोल है कि नहीं, हार्ट रेट कंट्रोल है कि नहीं, ये सब भी देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली और भी दवा देना पड़ेगा। हाँ जी, जिस तरह महामारी बढ़ रही है और बेड नहीं मिल रहे हैं, तो इस मात्रा में हम क्या करें? देखिए, अभी जो बेड नहीं मिल रही है, ये जो अफरा तफरी मचा हुआ है, इसमें मैक्सिमम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम घर पे रह के इलाज करें, जिसको जरूरत है उसको बेड दिलाएं। हम आप एक सोर्स पैरवी लगा के, पहुंच लगा के अननेसेसरी बेड ऑक्यूपाई नहीं करें, नहीं तो पता चले कि घर में अभी ऐसा देखने को मिल रहा है, किसी को कोरोना हो गया, हम समृद्ध हैं, हमारे पास पावर है, हम पैरवी लगा के एक बेड ऑक्यूपाई कर लिए, जबकि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन एक जो डर बन गया है कि हमको बेड नहीं मिलेगा, इसके लिए एक बेड ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं, तो जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल पा रहा है, घर में भी मैनेज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोरोना हो गया तो सब लोग मर जाएंगे, बस एक मॉनिटर करना है, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही है, खांसी तो नहीं हो रही है, एक डॉक्टर से बात करते रहें और अपना उसके अकॉर्डिंगली इलाज बताएं, जब डॉक्टर बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत है तो ही एडमिशन करें। ठीक है जी, अगर इसके बाद भी हमें, जैसे कोरोना ज्यादा बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो रही है और कोई भी बेड खाली नहीं है, तो उस केस में हम क्या करें? आप तो सरकारी अस्पताल में जाएं, प्राइवेट अस्पताल में जाएं, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ये डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आप एडमिशन कराइए, अपने से नहीं डिसाइड करना है हमको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हमको बेड लेना है। नहीं, अगर हमें बेड नहीं मिलता तो उस केस में हम क्या करें? तो घर पे ऑक्सीजन लगाना एक ऑप्शन है, लेकिन उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है घर पे जो ऑक्सीजन लगाते हैं उसमें ऑक्सीजन का मिसयूज ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन का जैसे लीकेज, कितना लीटर पे ऑक्सीजन चलना चाहिए, अगर जैसे 90% जिसको सैचुरेशन है, जिसको 2 लीटर की जरूरत है, हम घर में हमको नहीं पता है ना, हम 8 लीटर पे घुमा के रखते हैं, तो अभी जो एक ऑक्सीजन के शॉर्टेज सब जगह पहुंच नहीं पा रहा है ऑक्सीजन, उसमें भी कमी आएगा, तो इस मिसयूज भी नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन का, डॉक्टर की गाइडेंस में हम रख सकते हैं, डॉक्टर के गाइडेंस में हो सकता है, ताकि हमको ये पता चले कि इसको 1 लीटर की जरूरत है, 2 लीटर की जरूरत है, 8 लीटर की जरूरत है, अगर हमको जरूरत है 1 लीटर की और हम 8 लीटर घर में चला के रखे हुए, तो उससे बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, हमारा अगला सवाल ये है कि रेमडेसिविर जो दवाई है, इसका क्या कोरोना से संबंध है? देखिए, रेमडेसिविर जो है एंटीवायरल ड्रग है, जो वायरस के रोकथाम के लिए बनाया गया था, लेकिन हमारा जो कोरोना का गाइडलाइन है उसमें सीवियर केस में रेमडेसिविर का यूज करने के लिए बताया गया है, जो कि अगर जरूरत हो डॉक्टर के गाइडलाइन में इसको लेना है, ऐसा नहीं कि हम पता चल गया, टेस्ट कराए, कोरोना हो गया, घर में बैठे हुए हैं, किसी ने अपने रिश्तेदार ने बोल दिया कि हमारा जो पेशेंट था उसको तो रेमडेसिविर लगाए थे, ठीक हो गया, तुम भी घर में एक इंजेक्शन लगा दो, ऐसा एकदम नहीं करना है, क्योंकि हर ड्रग का एक साइड इफेक्ट होता है, एंटीवायरल ड्रग का और भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, तो इसमें जितना फायदा होगा उससे ज्यादा नुकसान भी कर सकता है, इसलिए अपने से खुद से रेमडेसिविर घर में यूज नहीं करना है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए ही रेमडेसिविर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये दवाई जिस प्रकार मिलनी मुश्किल हो रही है, तो इसमें क्या कहना है आपको? इसमें हमारे यहाँ पे सरकार ने एक रेगुलेशन बनाया है, जिसका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, उसके लिए सरकार ने एक स्पेसिफिक सेंटर बताया हुआ है, आप सरकार सिविल हॉस्पिटल में आके उसका अप्रूवल लगाए, वहाँ से आपको मिल रहा है। ठीक है जी, अगला सवाल हमारा ये है कि बच्चों में भी इस बार कोरोना देखने को मिल रहा है, बच्चों में क्या लक्षण है इसके?
बच्चे में कोरोना का जो मेन लक्षण तो सब जगह वही है, खांसी है, बुखार है, लेकिन साथ साथ लूज मोशन, उल्टी, बच्चे में स्किन में रैसेज होना, ये सब भी लक्षण देखा गया है। लेकिन अभी भी बच्चा सेफ है, बड़े लोगों की तुलना में बच्चे में अभी भी कम है इन्फेक्शन। लेकिन अगर इस तरह का लक्षण देखे बच्चे में, उसका भी इलाज घर में बैठ के करे, अंटिल अनलेस उसको ज्यादा दिक्कत नहीं हो, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो ही उसको हॉस्पिटलाइज करे। क्योंकि अगर बच्चे बड़े लोगों में है कि बड़े लोगों को आप हॉस्पिटल में रख दिए, स्टाफ एंड डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं, लेकिन बच्चे को साथ साथ पेरेंट्स को भी रखना पड़ता है। इसलिए पैनिक ना हो, बच्चे में अभी भी सेफ है, बच्चा अभी भी बहुत ज्यादा खतरा में नहीं आता है। इसलिए कोशिश करें कि बुखार, सर्दी, खांसी, लूज मोशन, ये सब का इलाज घर में किसी डॉक्टर के निगरानी में करें। अगला सवाल हमारा ये कि टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी लोगों को तकलीफ हो रही है। देखिए, टेस्ट जो आरटीपीसीआर आया है उसका सेंसिटिविटी 80% है, ये आज नहीं हुआ है, पहले से जी। तो हम 80% लोगों का ही डिजीज डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव आ गया टेस्ट तो ये 100% है कि उसको बीमारी है, लेकिन अगर निगेटिव आ गया तो 80% में ही हम उसका सेंसिटिविटी देखते हैं। बाकी 20% लोगों का ये भी हो सकता है टेस्ट नेगेटिव आ गया, उस 20% में कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको बीमारी है। तो आज फीवर, खांसी, जुकाम, ये सब अगर हो रहा है, टेस्ट नेगेटिव भी आया तो भी आप प्रिकॉशन लीजिए, अपना दवा खाइए, घर में आइसोलेट हो जाइए जब तक वो ठीक ना हो, और 2-3 दिन के बाद कोशिश करना चाहिए दोबारा टेस्ट करा लें। क्योंकि जो सैंपल कलेक्शन है प्रॉपर नाक में गया है कि नहीं, गला में गया है कि नहीं, और कितने दिन के बाद हम टेस्ट कराए हैं, इस सब पे भी डिपेंड करता है कि टेस्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, अगला सवाल हमारा ये कि वैक्सीनेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं, और कौन सी करवानी चाहिए? देखिए, अभी हमारे इंडिया में 2 वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन बहुत बढ़िया है। वैक्सीन का एक जो गलत मिसकंसेप्शन लोगों में आ गया है कि किसी ने वैक्सीन लगाया फिर भी उसका बीमारी हो गया। देखिए, वैक्सीन जो होता है बीमारी के रोकथाम के लिए होता है, तो मैक्सिमम 80-90% चांस है जिसको वैक्सीन लगा हुआ है उसको बीमारी नहीं होगी। लेकिन जिसको बीमारी हुआ भी, बीमारी नहीं अगर इन्फेक्शन हुआ भी, उसको के सीवियरिटी को रोकते हैं वैक्सीनेशन से। जैसे पहले बड़े लोगों में तो कोरोना का वैक्सीन अभी आया है, लेकिन पहले से बहुत सारे वैक्सीन है अवेलेबल जो बच्चे में दिए जाते हैं। जैसे पुराने लोग हैं वो लोग बताएंगे, गांव में पहले कोलोरा होता था जो उसको हैजा बोलते हैं, वो आता था तो गाँव के बच्चे, आधा बच्चे मर जाते थे, तो उसके लिए एक वैक्सीन आया उसके हैजा के रोकथाम के लिए। तो आज के डेट में अगर किसी बच्चा को डायरिया होता है, वोमिटिंग होता है, तो उस कंट्रोल होता है वो वैक्सीन देने से। पहले तो बहुत सारे बच्चे होते थे इन्फेक्टेड, अब उतना बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी को होता भी है तो ठीक होता है, पहले जैसा मोर्टेलिटी नहीं है। पहले निमोनिया के कारण बहुत सारे बच्चे का डेथ हो जाया करते थे, जब से निमोनिया का वैक्सीन आया है तब से निमोनिया का केसेस जो है वो बहुत कम हुआ है, और किसी को होता भी है तो वो ठीक होता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आपको चिकन पॉक्स जो माता बोलते हैं, उसका वैक्सीन पहले नहीं था तो पूरे मोहल्ले में एक साथ बच्चे लोगों को हो जाता था। अब जब चिकन पॉक्स का वैक्सीन आया है तो बहुत सारे कंट्रोल हुए हैं, बहुत ज्यादा चिकन पॉक्स माता अभी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन कोई वैक्सीनेटेड बच्चा है उसको अगर माता होता भी है तो पहले अगर किसी को 10 दाने होते हैं, 100 दाने होते थे, और अगर वैक्सीनेटेड है तो वो है कि उसको 10 दाने होंगे। तो ये बीमारी को, इन्फेक्शन को नहीं रोक सकता है, लेकिन डिजीज को रोकेगा, खतरा कम होगा। जो वैक्सीनेशन और मास्क, यही 2 उपाय है अपने को बचने के लिए, अदरवाइज कोई ट्रीटमेंट कोरोना का नहीं होता है। वैक्सीनेशन कराएंगे तो ही सेफ रहेंगे। तो वैक्सीनेशन कराने के बाद हमें कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए? वैक्सीनेशन पहले तो ये प्रिकॉशन है कि वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा रैश, फीवर, बॉडी एक होता है, उसके लिए सिंपल पैरासीटामोल का गोली दिया जाता है, उससे मैक्सिमम लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा कोई सीरियस इन्फेक्शन या प्रिकॉशन होने का अभी तक नहीं आया है। ठीक है, अगर बुखार जैसे ठीक नहीं होता है 2-3 दिन तो भी कोई खतरा है या कोई
रूटीन में वैक्सीनेशन लेने के बाद, अगर बुखार वैक्सीनेशन लेने के बाद भी बुखार आ रहा है तो आप सबसे पहले अपना कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो कोरोना के कारण भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है वैक्सीन के कारण हो रहा जी। अगर हमारा अगला सवाल यह है कि लंग्स को ये बीमारी किस तरह प्रभावित कर रही है। देखिए कोरोना जो है ये जो कोविड डिजीज है ये नाक के थ्रू गले में जाके और फेफड़े में लंग्स में आता है, लंग्स में निमोनिया करता है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ते जाता है, और जब उसका मल्टीप्लिकेशन रुक गया, कब किसी किसी को गले तक ही आके और रुक गया, किसी को लंग में आके, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे जाके और रुका है उसका मल्टीप्लिकेशन, कहाँ पर जाके आपका बॉडी इतना स्ट्रांग है कि उसके रेप्लिकेशन को रोक पाए, नहीं तो ये निमोनिया करता है, निमोनिया से ही इतना प्रॉब्लम होता है, निमोनिया करेगा ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो हार्ट पे इफेक्ट करता है, किडनी पे इफेक्ट होगा, लिवर पे इफेक्ट होगा, ब्रेन पे इफेक्ट होगा, ये सब ऑक्सीजन की कमी के कारण होगा, ब्लड वेसल में कोगुलेशन बढ़ जाता है, थक्का खून का थक्का बनने लगता है, ये सब कोरोना के कारण होता है, जो मेन स्टार्टिंग फेफड़ा होता है। ठीक है जी, अब मास्क जो हम पिछले साल से ही लगा रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, कौन सा मास्क लगाएं, किस तरह लगाएं, और क्या वाकई में ही मास्क हमें बचाव करता है? देखिए कोरोना जो है ये इन्फेक्शन जो होता है, पहले हम मानते थे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, लेकिन अब हम लग रहा है कि ये जो वायरस है ये एयरबोर्न डिजीज है, एयरबोर्न डिजीज नाक के थ्रू गले में जाएगा, फेफड़े में जाएगा, इसको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ मास्क है, अगर आप मास्क लगाए हुए हैं तो आप सेफ हैं, नहीं लगाए हैं आपके आसपास, आज के डेट में किसी को नहीं पता है कि किसको कोरोना है, आपके आसपास कोई कोरोना का पेशेंट है, कोई आदमी है जिसको पता नहीं है कि हमको इसको कोरोना है, वो जो एयर बाहर किया है या छींका है उससे जो कोरोना वायरस बाहर आया है वो आप इनहेल करेंगे तो आपको कोरोना होगा, उसको रोकने के लिए मास्क है, मास्क जो मार्केट में कोई भी मास्क आपको मिल जाए वो मास्क लगाना है, उससे प्रोटेक्ट होता है। आपका कहना है कि बचाव करना हमें बहुत जरूरी है, वैक्सीन और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, गैदरिंग नहीं करना है, क्योंकि अभी गैदरिंग करके और जो चीज अवॉइड कर सकते हैं, जो चीज नहीं करने से भी हमारा जिंदगी सुचारू रूप से चल रहा है उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आज हमने काफी हद तक कोरोना के बारे में जानकारी प्राप्त की है, और आगे भी डॉक्टर रविशंकर जी से इसी तरह के हम समाधान करते रहेंगे, और आप सबको जानकर खुशी होगी कि डॉक्टर रविशंकर जी स्ट्रेसमैन फाउंडेशन के सदस्य भी हैं, जो जरूरतमंद बच्चों के लिए समय समय पर निशुल्क कैंप का आयोजन करते रहते हैं, और आगे भी हम इनसे जुड़े रहेंगे। हम सबको सुरक्षित रहना है और इस महामारी से लड़ना है, घर में ही रहें, अन्य ज्यादा इधर उधर ना घूमें बिना काम के, तभी इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, और इन सब इस वीडियो को अच्छी तरह देखें जिससे आपको समाधान मिलेगा, और घबराएं नहीं, हिम्मत से काम लें। धन्यवाद। अंत में मैं यही बोलूंगा कि इस कोरोना से निजात पाने के लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर कलेक्टिवली अप्रोच करना पड़ेगा, और हम इस कोरोना से जीतेंगे। अपने घर में अगर कोई किसी को कोरोना हो गया है उसको मदद कीजिए, उसको डरना नहीं है, घर में सब लोग ठीक हो रहे हैं, आप भी ठीक होंगे, हर लोग को कोरोना वॉरियर बनना है, हम सब मिलकर कोरोना पर जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद।